हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग लीग में। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास टेंथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास टेंथ का। इसमें क्या क्या होता है? इससे दो या तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मीन्स 6 मार्क्स का इससे क्वेश्चन आता है, और वो हम लोग 2 से 3 वीडियो में कम्प्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है, ये सब हम लोग पहले डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ग्राफ पे बनता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं अलजेब्रा के हर एक चीज को ज्योमेट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मीन्स ग्राफ पे अलजेब्रा को रिप्रेजेंट करने को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ओके, जैसे हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हम लोग अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसको हम लोग किस पे सॉल्व करेंगे? ग्राफ पे शो करेंगे, ग्राफ पे शो करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या चीज होता है? तो ऐसा बना होगा, एक स्ट्रेट, जैसे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन रहेगा। ओके, तो देखिए, इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, मीन्स एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, फिर यहाँ ऊपर में होगा वाई और नीचे में वाई डैश होगा। क्लियर है? क्या होगा? एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो हम लोग को पता है, पहले यहाँ जान लेते हैं क्या होता है। इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओरिजिन होता है, मीन्स कोई भी चीज स्टार्ट करना है तो हम लोग यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करेंगे। इधर जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, इधर जाए, कहीं भी जाए, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं चलना हम लोग। तो देखिए, हम लोगों को पता है कहीं से चलना स्टार्ट करेंगे तो राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव होता है। ये हम लोग पहले से जान रहे हैं, ऐसा आप लोग साइंस के मोशन में पढ़े होंगे, पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है उसमें। तो देखिए, यहां से जब हम इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन देगा, और जब ऊपर जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। क्लियर है? तो इस साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, तो इसको कैसे लिखेंगे? प्लस प्लस इसको लिखते हैं। अब देखिए, इस पॉइंट से जब इधर आएंगे तो निगेटिव साइन देगा, और जब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव देगा। तो देखिए, इस एरिया के अंदर, इस रीजन के अंदर ये आएगा एक प्लस और एक माइनस, मीन्स माइनस और प्लस आ रहा है। अब थर्ड वाले में आते हैं, यहां पे देखिए, ये निगेटिव है, और नीचे आएंगे तो नीचे भी निगेटिव देता है। फिर इसमें आएंगे, ये देखिए पॉजिटिव दे रहा है और ये निगेटिव। तो अभी हम लोग जो लिख है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये क्या होता है पता है आप लोग? ये क्या क्या चीज होता है? तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, कोई भी जो ग्राफ बनता है उसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो एक जो इसका एरिया हुआ 1/4, किसी भी चीज के 1/4 को क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोई भी, जैसे एक सर्कल हो गया, इसका 1/4 हो गया, तो इसको क्वाड्रेंट कहेंगे, 1 क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो इसका जो 1 पोर्शन हुआ इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो एक ग्राफ में कितना क्वाड्रेंट बनता है? तो 4 क्वाड्रेंट बनता है। इसको फर्स्ट, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम पहले प्लस लिखे हैं, फिर प्लस लिखे हैं, यहाँ पे पहले माइनस लिखे हैं, प्लस लिखे हैं, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस और प्लस लिख सकते हैं या नहीं, ये कैसे जानेंगे? तो देखिए, कभी भी ग्राफ में जैसे लिखा हो x, लिखा होगा 2 और 4, लिखा हो 2, 4, तो इसमें सबसे पहले जानना होता है 2 किसको कहते हैं और 4 किसको कहते हैं। क्या जानना होता है? 2 किसको बोलेंगे और 4 किसको बोलेंगे, मीन्स ये तो हम लोग को पता चल गया, इस पूरे ग्राफ में बस 2 ही चीज है, एक x है और एक y है। क्या है? एक x है और दूसरा y है। तो जब यहाँ पे लिख रहे हैं 2, 4 लिखे हैं, तो इसमें x होगा और y होगा, यही दोनों होगा। तो अब मुझे ये जानना है, पहले x होगा या बाद में x होगा, x कब होगा? तो याद रखिए, हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जो पहले आता है, जैसे 2, 4 है ना, 5, 6, -3, -2, ये सब है। तो जो भी पहले आएगा, जो भी पहले आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? x। x आ रहा है, निगेटिव में है तो भी x है, पॉजिटिव में है तो भी x है। अब देखिए, यहां पे निगेटिव में x है, मतलब इस ओरिजिन से इधर आ रहा होगा,
इस ओरिजिन से इधर ये है माइनस थ्री, मान लीजिए यहाँ पे जैसे माइनस थ्री आ रहा है तो यहाँ के चीज को रिप्रेजेंट किया गया माइनस थ्री, तो ये भी एक्स है, ये फाइव है ये भी एक्स है, ये टू है ये भी एक्स है, और जो बाद में आता है उसको वाई बोलते हैं, ये वाई है ये वाई है और ये भी वाई है, तीनों क्या है वाई है, क्लियर है। तो एक्स और वाई इसमें समझ में आ गया, जो पहले आता है उसको एक्स बोलते हैं, जो बाद में आता है उसे वाई बोलते हैं। अब फोर क्वाड्रेंट है, इसमें अब हमको ये जानना है अगर कोई चीज लिखा हुआ है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, वो किस में आएगा वो जानना है। जैसे क्वेश्चन है फाइव और सिक्स, माइनस थ्री टू, माइनस सेवन माइनस फाइव, और है सिक्स माइनस थ्री। तो देखिए यहां पे क्या है, सिक्स और फाइव है, फाइव सिक्स लिखा हुआ यहां पे, तो देखिए फाइव भी प्लस है और सिक्स भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट का होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ये देखिए माइनस थ्री और टू है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए पहले माइनस है बाद में प्लस है, पहले माइनस बाद में प्लस है, तो किसका होगा, ये है सेकेंड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए माइनस सेवन है और माइनस फाइव है, ये देखिए ये दोनों में माइनस है, तो मेरा जो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था इसमें दोनों माइनस आ रहा था, क्योंकि एक्स के निगेटिव में आ रहा है लेफ्ट साइड में और ये नीचे में आ रहा, तो ये दोनों माइनस होता है, ये भी माइनस, तो क्या हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ। और इसमें देखिए पहला प्लस है दूसरा माइनस है, पहला प्लस दूसरा माइनस, ये गलत है, ये हम बताने के लिए लिखे होते हैं, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो किस में आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, किस में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब ये देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए जैसे ग्राफ हो गया, ओरिजिन होते हैं यहां पे जीरो जीरो रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। अगर कोई क्वेश्चन दे दे टू और फोर, माइनस फाइव सिक्स, थ्री माइनस फाइव सेवन और माइनस सेवन माइनस फोर, इसको क्या करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला क्या है टू और फोर है, तो अभी हम लोग जाने हैं जब दोनों पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, तो टू, तो यहाँ पे पहले करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे जितना मेरा क्वेश्चन में आएगा उस हिसाब से ले लेंगे, फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसा कुछ हो गया। और देखिए पहले टू है तो एक्स एक्सिस में टू पे जाएंगे, तो ये जीरो है ये वन है ये टू है, और वाई एक्सिस में कितना है फोर है, वन टू थ्री फोर, तो यहां से यहाँ पे पॉइंट ले लेंगे और इसको ऐसे डॉटेड लाइन से मिला लेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे जेड लिख लिए, ये कितना है टू और फोर है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। दूसरा देखिए माइनस फाइव और सिक्स है, तो माइनस में एक्स पहले आता थे माइनस में, तो क्या हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे लिख लिए, तो फाइव माइनस में, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव और सिक्स है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जैसे यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे P ले लेते हैं पॉइंट इसको, और हो जाएगा माइनस फाइव और सिक्स, यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन, होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, नीचे भी उसी तरह होगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस सेवन माइनस एट। देखिए ये जो एक यूनिट हुआ, इतना ही एक यूनिट इधर भी, इतना ही एक यूनिट इधर भी, हर एक का यूनिट सेम रहता है, ये नहीं कि इसमें ज़्यादा ले लिए इसमें कम ले लिए तो मेरा ग्राफ गलत हो जाएगा, सब में सेम यूनिट लेते हैं, तो यहाँ पे तो स्केल नहीं उसके कारण ऐसे किए हैं, लेकिन जब आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो ग्राफ पेपर ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा। तो यहां से अगर ले रहे हैं मेजरिंग करना शुरू किए तो एक यूनिट ये भी एक यूनिट ये दूसरा ये दूसरा ये तीसरा, तो यहाँ पे जो रहेगा वो तीसरा, ऐसे करके लेंगे
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक एक यूनिट इक्वल लेते हैं। थर्ड है मेरा 3 और -5, तो देखिए 3 यहाँ है और -5 के सामने उसको लाएंगे डॉटेड मिला देंगे, तो यहाँ पे जैसे x हो गया, क्या होगा 3 और -5 हो गया। अगला है मेरा -7 -4, तो -7 x में तो -7 और -4 यहाँ ऐसे मिला देंगे, तो क्या होगा -7 और -4। तो हम लोग इसमें दो तीन चीज जान लिए, पहले जाने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, उसका इंट्रो जान लिया क्या क्या होता है, उसके अलावा उसमें क्या जाने तो क्वाड्रेंट उसमें कितने होते हैं वो जाने हैं। थर्ड चीज जानने हैं उसमें क्या क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव, किसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, किसमें दोनों निगेटिव होंगे, किसमें निगेटिव पॉजिटिव होंगे, किसमें पॉजिटिव निगेटिव होंगे। चौथा जानते हैं, जाने हैं इसमें ये जो लिखा हुआ है 2 और 4, तो पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, मीन्स पहले एक्स आता है या वाई आता है, दोनों में से कौन पहले आता है कौन बाद में आता है, ये चीज जाने हैं। और पांचवा चीज हम लोग जाने हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, तो ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना भी हम लोग जान गए, ये तो हम लोग का बेसिक था, क्या था बेसिक। अब हम लोग आते हैं अपने क्लास 10th के सिलेबस के अंदर, उसमें क्या चीज पढ़ना है, तो क्लास 10th में आते हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए क्लास 10th का जो मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला ये क्या होता है, जैसे एक यहाँ पे पॉइंट है और एक यहाँ पे एक लाइन हो गया ए बी, सपोज यहाँ पे दिया है x1 y1, यहाँ पे है x2 y2, ये दोनों पॉइंट दिया हुआ है। अब बोलेगा ए बी का डिस्टेंस निकाल के बताना है कितना होगा, क्या निकालना है ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ए बी का डिस्टेंस कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ए बी यहां से यहां का लेंथ हुआ ना, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी इसका लेंथ हुआ, तो उसी को लिखेंगे क्या ए बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 x2 - x1 + y2 - y1, हो गया क्या था x2 - x1 + y2 - y1, ये फॉर्मूला हुआ मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। इससे हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पॉइंट है यहाँ पॉइंट है, बोलेगा इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो x2 x1 y1 y2 ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे, क्लियर है। इसके क्या होता है रूट ओवर होता है। तो चलिए अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन कैसे इस पर सॉल्व होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन है पॉइंट P इज इक्वल टू 9 3 और Q इज इक्वल टू 5 11 है, मीन्स ये क्या हो गया है, ये P हो गया और ये Q हो गया, P कितना दिया हुआ 9 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 और 3 और Q है 5 11, तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 11, क्लियर है। अब इस पे हमें सॉल्व करना है, तो x2 दूसरे वाले को x2 बोलेंगे, तो फॉर्मूला पुट करते हैं PQ इज इक्वल टू रूट ओवर x2 मीन्स 5 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 11 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर -4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 4 4 = 16 प्लस 8 8 = 64, तो कितना आएगा 0 80, क्या आया 80 यूनिट आया। तो हम इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू उधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 80, तो यह डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको 4 root 5, 4 4 = 16 5 = 80 होता है यूनिट, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 80 यूनिट होगा और डायरेक्ट PQ निकाले तो 4 root 5 यूनिट होगा। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस पर आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा, तो जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है लगभग 4-5 क्वेश्चन होगा इसमें कम से कम आपके एक्सरसाइज से, वो बना के देखिए बनेगा। अगला है मेरा कोलिनियर,
कोलिनियर क्या होता है वो जान। कोलिनियर क्या होता है, जैसे तीन पॉइंट है, पी है, क्यू है और आर है, क्या पी क्यू आर तीन पॉइंट दिया हुआ है, तो अगर कहे कोलिनियर है तो कोलिनियर होता क्या है, तो जब तीनों पॉइंट क्या हो, जब तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे आए तो उसे कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब तीनों पॉइंट किसी एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाए तो उसे कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर का डिफिनेशन कंप्लीट हुआ। कोलिनियर क्या होता है, व्हेन द थ्री पॉइंट्स कम ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन देन इट इज नोन एज कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, जब तीन पॉइंट किसी एक स्ट्रेट लाइन पे आए, तीन चार पांच दस बीस कितना भी पॉइंट हो, ऑल पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हेन ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, किसी एक स्ट्रेट लाइन पे आए तो क्या होगा, वो कोलिनियर होगा। तो होगा मेरा कोलिनियर, तो जैसे मान लीजिए हो गया एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और यह एक्स थ्री वाई थ्री। अब आपसे क्या कहेगा क्वेश्चन में कि प्रूफ कीजिए कि ये पी क्यू आर जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, तो कैसे प्रूफ होगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पी क्यू पहले निकालेंगे, फिर क्यू आर निकालेंगे, फिर पी आर निकालेंगे। क्या करेंगे, पी आर निकालेंगे, पी क्यू क्यू आर और पी आर निकालेंगे, और क्या करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर कर देंगे। क्या करेंगे, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर कर देंगे, तो मेरा सिंपल सा निकल जाएगा। ओके तो कोलिनियर समझ में आया, तीन पॉइंट जब किसी एक स्ट्रेट लाइन पे आए तो उसे कोलिनियर कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट को ऐड करिए और फर्स्ट और लास्ट पॉइंट के इक्वल आएगा, तो उसे कोलिनियर कहते हैं। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए मेरा क्वेश्चन है कोलिनियर का, ए वन वन, बी माइनस टू सेवन और सी थ्री माइनस थ्री। तो इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वन वन माइनस टू सेवन और सी है थ्री माइनस थ्री। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कहाँ से कोलिनियर, कौन कौन कोलिनियर, जो फर्स्ट में रहेगा उसको बीच में ले लेंगे और ये दोनों को ले लेंगे, जैसे था ना ये दोनों को ले लेंगे और बीच में इसको डाल देंगे इस पॉइंट को। अगर चार रहेगा तो फिर उसी तरह करेंगे, सब में उसी तरह करना है। तो चार वाला अभी नहीं पढ़ना है, चार वाला में बाद में पढ़ना है, जब सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे तब चार पाँच वाला पढ़ना है, इसमें बस यही जानना, तीन पॉइंट का ही जानना है। तो देखिए इसमें सॉल्व कैसे होगा, तो पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन, तो वन प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वन, वन वन माइनस सेवन का स्क्वायर, वन माइनस सेवन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर नाइन प्लस थर्टी सिक्स रूट ओवर थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर प्लस सिक्सटीन रूट ओवर ट्वेंटी फोर रूट टू रूट फाइव होगा। मेरा ए भी निकल गया, ए सी निकल गया, अब निकालना है बी सी। बी सी क्या होगा, थ्री माइनस 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 प्लस हो गया, थ्री प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस सेवन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ट्वेंटी फाइव प्लस वन हंड्रेड इज इक्वल टू रूट ओवर वन ट्वेंटी फाइव। तो किसके इक्वल होगा, फाइव रूट फाइव यूनिट के इक्वल होगा। जैसे कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ए बी ए सी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल। तो क्या है, ए बी प्लस ए सी इक्वल्स बी सी के इक्वल आना चाहिए। तो देखते हैं, ए बी कितना है, थ्री रूट फाइव है प्लस ए सी टू रूट फाइव इक्वल्स बी सी कितना है, फाइव रूट फाइव। तो देखिए थ्री रूट फाइव प्लस टू रूट फाइव तो कितना होगा, फाइव रूट फाइव इज इक्वल टू फाइव रूट फाइव आ गया। तो इतना सिंपल था सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी कोलिनियर। कोलिनियर में क्या करते हैं, तीन पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन पे प्रूफ करते हो। कैसे होगा, जो बीच का पॉइंट लेंगे उससे फर्स्ट पॉइंट और उससे सेकेंड पॉइंट दोनों निकालेंगे और फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को निकालेंगे। अगर तीनों का सम सेम आता है, मीन्स फर्स्ट पॉइंट
सेकेंड पॉइंट प्लस सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट प्लस सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट का इक्वल फर्स्ट और लास्ट का आता है तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो इतना सिंपल था कोलिनियर। तो हम लोग दो फार्मूला पढ़ दिया, सेक्शन फार्मूला सॉरी डिस्टेंस फार्मूला और कोलिनियर, दो पॉइंट क्लियर हो गया हम लोग का। आगे जो इस पे है वो रेक्टेंगल स्क्वायर पैरलोग्राम और रोम्बस को लेके क्वेश्चन है। तो आपको उसमें क्वेश्चन कैसा देगा, कह देगा प्रूव डैट इट इज ए रेक्टेंगल नॉट पैरलोग्राम, या ऐसा दे देगा प्रूव डैट इट इज ए रोम्बस नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, तो अब उसको बताते हैं। ओके, अगला जो है मेरा, पहले फिगर जान लेते हैं सबका। ये हम लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, और इसमें जो डायगोनल होता है बोथ डायगोनल आर इक्वल होता है। दूसरा है मेरा स्क्वायर, इसमें क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका जो डायगोनल होता है डायगोनल इक्वल होता है। दो फिगर क्लियर हुआ, क्या था रेक्टेंगल, ये है स्क्वायर। थर्ड है मेरा पैरलोग्राम, इसमें क्या होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, लेकिन जो इसका डायगोनल होगा वो इक्वल नहीं होगा। पैरलोग्राम में क्या होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, लेकिन इसमें क्या होगा डायगोनल इक्वल नहीं होगा, ये क्या है पैरलोग्राम है। और लास्ट है मेरा रोम्बस, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है स्क्वायर के जैसा होता है, इसका भी ऑल साइड्स इक्वल होता है, लेकिन ये 90 नहीं होता और इसका भी डायगोनल इक्वल नहीं होता, ये क्या है रोम्बस, रोम्बस। तो हम लोग चार फिगर देखें, पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा पैरेललोग्राम और चौथा रोम्बस देखें। तो इसमें क्वेश्चन क्या देगा, प्रूव डैट इट इज ए रेक्टेंगल नॉट पैरलोग्राम, मतलब ये रेक्टेंगल है पैरलोग्राम नहीं है। तो क्या करेंगे, तो चार पॉइंट है, जैसे इसका हो गया x1 y1, x2 y2, ये हो गया x3 y3, ये हो गया x4 y4। तो इसका x1 y1 फिर ये भी निकालेंगे, BC निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे AB, उसको किसके इक्वल करेंगे CD के इक्वल, फिर BC निकालेंगे उसको किसके इक्वल करेंगे तो AD के इक्वल, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल आ गया। फिर क्या करेंगे AC को BD के इक्वल करेंगे, ये मेरा रेक्टेंगल निकलेगा। रेक्टेंगल का क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AB निकालेंगे, CD निकालेंगे, BC AD, फिर AC और BD मीन्स साइड अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाएगा, ये दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल आएगा, फिर इसका डायगोनल जो है वो इक्वल आएगा, ये मेरा रेक्टेंगल होगा। फिर क्या करेंगे पैरलोग्राम में आएंगे, इसका भी होगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, इसमें भी चार पॉइंट हो गया। इसमें क्या करेंगे सेम उसी तरह sp को df के इक्वल, pd को SF के इक्वल, और इसमें चेंज क्या होगा HD इज नॉट इक्वल टू PF, SP जो है वो PF के इक्वल नहीं आएगा, क्या होगा HD PF के इक्वल नहीं आएगा, मीन्स ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल नहीं होगा, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होगा डायगोनल इक्वल होगा। तो क्वेश्चन देगा मेरा प्रूव डैट इट इज ए पैरलोग्राम नॉट स्क्वायर सॉरी नॉट रेक्टेंगल, तो क्या करेंगे ऑल साइड्स इक्वल कर लेंगे सॉरी अपोजिट साइड इक्वल कर लेंगे और डायगोनल इक्वल नहीं आएगा, तो क्या होगा पैरलोग्राम होगा, और डायगोनल इक्वल आ जाए तो रेक्टेंगल होगा। सेम इसी तरह मेरा स्क्वायर और रोम्बस, क्या करेगा क्वेश्चन देगा प्रूव डैट इट इज ए रोम्बस नॉट ए स्क्वायर, तो क्या करेंगे ऑल साइड्स निकालेंगे, ऑल साइड्स इक्वल आएगा, दोनों डायगोनल निकालेंगे, स्क्वायर में दोनों डायगोनल इक्वल होता है, रोम्बस में दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होता है, तो जब दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आएगा तो रोम्बस होगा, दोनों डायगोनल इक्वल आएगा तो स्क्वायर होगा। सेम पैरलोग्राम और रेक्टेंगल में, उसमें क्या करेंगे दोनों डायगोनल इक्वल आएगा तो रेक्टेंगल होगा, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आएगा तो वो पैरलोग्राम होगा। तो इतना सिंपल था बस, इसमें अगर आप इतना जान गए डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन। मेरा इसमें थर्ड आता है ट्रायंगल का क्वेश्चन, थर्ड क्या है
ट्रेंगल का क्वेश्चन इसमें आता है। तो ट्रेंगल क्या होता है उसका जानते हैं। तो हम लोग को ट्रेंगल जानना है। ट्रेंगल क्या होता है? इट इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। क्या होता है? एक प्लेन क्लोज फिगर होता है जो तीन लाइन सेगमेंट से घिरा होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले प्लेन फिगर क्या होता है? हम क्या बोले? इट इज अ प्लेन क्लोज्ड फिगर। तो प्लेन फिगर किसको बोलते हैं पता है आप लोगों को? ऐसे इसमें नहीं बताना चाहिए लेकिन हम बता दे रहे हैं आप लोग। प्लेन फिगर किसको कहते हैं? जो फिगर पेपर पे, बोर्ड पे, दीवार पे बनाया जा सके उसे प्लेन फिगर कहते हैं। किसको बोलते हैं? जिस भी फिगर को पेपर पे, कॉपी में, बोर्ड पे, दीवार पे, सब जगह पे हम लोग बनाते हैं उसको प्लेन फिगर कहते हैं। अब इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएं तो कैसा बनेगा? 3D बनेगा। तो ये प्लेन फिगर नहीं हुआ। प्लेन फिगर में क्या आता है? 2D आता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेलोग्राम, सर्कल, बस इतना ही आता है। और ये ट्रेंगल, स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, ये सब में से कोई प्लेन फिगर नहीं होता है, सब 3D फिगर होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे 3D, 8th, 7th में 3D फिगर करके, या एरिया रिलेटेड टू 3D, ये सब करके उसमें पढ़े होंगे। लेकिन प्लेन फिगर किसको बोलते हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेलोग्राम, रोम्बस, वो फिगर जिसको पेपर पे, कॉपी में, बोर्ड पे, दीवार पे बनाएं उसको प्लेन फिगर कहते हैं। अब हम लोग को जानना है मेरा डिफिनेशन क्या आता है। इट इज अ प्लेन क्लोज फिगर। तो प्लेन क्लियर हो गया, वो उड़ाने वाला प्लेन नहीं है, और हम लोग का ग्राफ ये ड्रॉइंग का प्लेन है। अब है क्लोज फिगर क्या होता है। तो सिंपल सा मेथड बताएंगे आपको क्लोज फिगर पहचानने का। दो फिगर बनाते हैं, एक ये हो गया और दूसरा एक सर्कल बना लिए। सर्कल है नहीं है, एक और बनाते हैं। इतना क्या किया? चूहा खा गया। अब देखिए इसमें हमें जानना है प्लेन फिगर क्या होता है। इसके किसी एक पॉइंट से, यही से हम स्टार्ट करते हैं, पेन पेंसिल मार्कर जो है उसको रखिए और लेके लाइन पे चलिए। आ गए, यहाँ से घूमना है, घूम गए, फिर यहाँ पे रोड जाम है, इधर आना है, आ गए, इसके आगे का रास्ता गायब है, यहीं पर रुक जाएंगे। दूसरा इसको देखते हैं, यहाँ से चलना शुरू किए, घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए यहाँ पे आ गए, मौत का कुआं है, घूम के यहाँ पे आ गए, इसके आएगा फिर गायब है, चूहा खा गया। इसमें आते हैं देखते हैं, यहाँ से जिस पॉइंट से चलने स्टार्ट किए, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, फिर उसी पॉइंट पे आ गए। इसमें जहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे थे वहाँ नहीं आ रहे थे, इसमें भी वहाँ पे नहीं आ रहे थे, लेकिन इसमें जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पे आके रुके हैं। क्या किए? जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए उसी पॉइंट पे आके रुके हैं। जब हम लोग किसी फिगर में, कब? जब हम लोग किसी फिगर में जिस पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे वापस आ जाए बिना पेन पेंसिल उठाए हुए, तो क्या होता है? क्लोज फिगर होता है। याद रखिए क्लोज फिगर पहचानने का सबसे आसान तरीका, एक पॉइंट पे कोई भी यहीं पे रख लीजिए, पेन पेंसिल मार्कर जो है उसको रखिए, उंगली ही रख लीजिए और यहाँ से चलिए लेके। अगर पेन पेंसिल उंगली उंगली जो कुछ भी है, लाठी डंडा जो है, उसको अगर उठाने का जरूरत नहीं पड़ता है और उसी पॉइंट पे फिर वापस आ जाते हैं तो प्लेन फिगर होता है। लेकिन अगर यहाँ से आए, यहाँ से उड़ के आना होगा इस पॉइंट पे, तो क्लोज फिगर नहीं होगा, वो क्या होगा? ओपन फिगर होगा। ओपन फिगर में कहीं को मुंह इसका खुला हुआ, देखिए मुंह खुला हुआ, भूख लगा है इसको, इसका मुंह खुला हुआ है, तो ये ओपन फिगर है। लेकिन ये खा पी के तंदुरुस्त है, पूरा क्लोज है चारों तरफ से, तो क्या होगा? क्लोज फिगर हुआ। तो ओपन फिगर, क्लोज फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग का डिफिनीशन ट्रायंगल का क्या था? इट इज ए क्लोज या इट इज ए प्लेन क्लोज फिगर। तो प्लेन फिगर है, बोर्ड पे बनाया है, क्लोज है, चारों तरफ से देख लिए फिगर, बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, तीन लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट, दूसरा लाइन सेगमेंट, तीसरा लाइन सेगमेंट। तो बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। इतना बड़ा डिफिनेशन है, क्या है? एक प्लेन क्लोज फिगर जो तीन लाइन से घिरा हो उसको ट्रायंगल कहते हैं। क्लियर? अब इस पे हमें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जानेंगे क्या होता है, कितना टाइप का ट्रायंगल होता है। हम लोग जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीन होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलस, स्केलन। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तीन होता है, ऑब्ट्यूस, एक्यूट और राइट एंगल। हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चार, कितने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चार टाइप के ट्रायंगल होते हैं, कौन कौन? स्केलन, आइसोसेलस, इक्विलेटरल, एक और पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल चार टाइप। पहला इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल लिखते हैं, ठीक है। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा आइसोसेलस, चौथा स्केलन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चार टाइप के ट्रायंगल होते हैं, कौन कौन? इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। चारों एक ही साथ पढ़ लेते हैं, बहुत सिंपल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल जब निकाले PQ इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू, था ना? PQ इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर पी, जब तीनों साइड इक्वल है तो क्या? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल में सब साइड इक्वल हो उसे क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तीनों इक्वल है तो इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे पी क्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर निकालेंगे और फिर पी आर निकालेंगे। तीनों जब इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, बस इतना ही प्रूफ करना है। इसमें रहेगा सो डैट इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड निकाल देंगे, तीनों साइड निकल गया, उसको इक्वल कर देंगे, हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ। मेरा पहला खत्म। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है? 90 होता है, लिखा रहेगा एंगल पी इज 90 डिग्री, एंगल ए इज 90 डिग्री, एंगल बी इज 90 डिग्री लिखा हुआ रहेगा। ए बी सी इज द राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी पी, ऐसे करके दिया रहेगा। जैसे दिया एक्स वन वाई वन, एक्स टू पी दे देगा, यहाँ पे देगा एक्स थ्री वाई थ्री, इसका नाम दे दिए जैसे एस पी डी। तो क्या कहेगा? कहेगा एस पी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल एस इज 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें पी का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? सिंबल सामने फंदा है, एस पी निकालेंगे, फिर एच डी निकालेंगे, डी पी निकालेंगे, तीनों साइड निकल गया। ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे बचपन में, एच होता है, पी होता है और बी होता है। तो क्या करेंगे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर पुट कर देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। इतना सिंपल है, समझ में आ गया? क्या करेंगे? पी का वैल्यू निकालना है, ये तीनों निकाल लेंगे, निकल जाएगा, और उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, बन जाएगा, बस इतना सिंपल। तो मेरा राइट एंगल खत्म हुआ। अगला आइसोसेलस ट्रायंगल क्या होता है? थर्ड पे आते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल एक फिगर हो गया, देखने में लगेगा बड़ा बड़ा दुगो हाथ उसका दिखेगा, आइसोसेलस ट्रायंगल का। इसमें क्या होता है? दो साइड इक्वल होता है। तो कहेगा प्रूव दैट इट इज आइसोसेलस ट्रायंगल। तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, ए बी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, इज इक्वल टू ए सी। जब ए बी ए सी के इक्वल आ जाए, मतलब ए साइड और ए साइड इक्वल आ जाए, तो क्या होगा? आइसोसेलस ट्रायंगल है, सिंपल है। तीन को क्लियर हो गया। चौथा स्केलन ट्रायंगल कभी नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि इसका ऑल साइड्स, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, सब साइड अलग अलग होता है, इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, कोई एक साथ नहीं रहेगा, अलग अलग साइड होगा तो स्केलन होगा। तो इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? आइसोसेलस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस दोनों से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कभी कभी राइट एंगल ट्रायंगल से भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये था मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज फर्स्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो कुछ भी था वो सब बता दिया। सबसे पहले क्या बताया? डिस्टेंस फॉर्मूला बताया, दूसरा बताया कोलिनियर बताया, तीसरा क्या बताया? स्क्वायर रोम्बस पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का केस बताया, चौथा क्या बताया? ट्रायंगल बताया। तो हम लोग चार पांच टॉपिक पढ़ लिए, एक दो पे क्वेश्चन भी बना के देखे हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया हो, किसी भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आज का मेरा नया नारा,
आप मुझे टॉपिक दो, मैं आपको वीडियो दूंगा। ओके, इसी के साथ मैं अपना एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट खत्म करता हूँ। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।